बुंडू में विरसा विकास समिति के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक रहे गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने किया। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जनमुद्दों को लेकर सरकार से संज्ञान में लेने को कहा है। मौके पर उन्होंने एसएफसी गोदाम में किए जा रहे चोरी पर तमाड़ विधायक को जनता के प्रति उदासीन रवैया बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैनाल रोड पर हजारों लोगों को आवागमन करने पर रोजाना मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इस सड़क पर दो बार निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया लेकिन सड़क नहीं बन पाई। इस मौके पर प्रदीप कुमार महतो उर्फ रोशन को तमाड़ विधानसभा प्रभारी चुना गया, जिसे माला पहनाकर और बुके देकर उनको सम्मानित किया गया। के उपरांत कार्य भी हुआ। प्रगति इस तरह से है कि गुंडू तालाब पहले से ही बदतर हो गया। संवेदक जो कार्य करना था उनको, तो कार्य को सुचारू रूप से नहीं किया जाना, निविदा के नियमों का अनुपालन नहीं करने के समान है। इस पर सरकार को जांच करके नियम के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और तालाब का निर्माण प्रारंभ करवाना चाहिए। आज आपको बिरसा विकास समिति की ओर से एक बड़ा पद जो है उसका भार सौंपा गया है, क्या दायित्व समझ में आता है और एक जो सिटिंग पार्टी थी उसको छोड़ करके आप यहाँ ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ विचार है किस तरह से आगे की रणनीति तैयार करेंगे? इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि हमारे बड़े भाई जो हैं राजा पीटर जी, वो मेरे आदर्श हैं, मेरे अभिभावक हैं, इनका जो भी आज्ञा होगा उसका मैं पालन करूंगा। और बिरसा विकास समिति के बैनर तले मुझे जो